ट्रेन में जुड़े हर सेक्शन में अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती है, जिसके वजह से लंबे सफर के लिए ट्रेन को सबसे ज्यादा आरामदायी माना जाता है। पर कुछ टेक्निकल और कुदरती कमियों के कारण ट्रेन की सफर कई बार जोखिम और बेहद ही खतरनाक हो जाता है, जिसका अंदाजा हमारे देश इंडिया में हुए कई ट्रेन एक्सीडेंट और हजारों मासूम जान जाने से लग ही जाती है। तो ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे रूट के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल एडवेंचर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। डेथ रेलवे बर्मा। ये रास्ते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी। इस रास्ते को डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस रास्ते को बनाते वक्त 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर कैदी थे, जिन्हें जापानीज लोग जबरदस्ती उन्हें इस रास्ते को बनाने के लिए काम पर लगाते थे, जिससे कुछ कैदी गलती से नदी में गिर गए थे और कईयों ने नदी में कूदकर आत्महत्या भी कर ली। इसी वजह से आज भी ट्रेन में बैठे यात्री को उन मरे हुए लोगों की आत्मा दिखाई देती है, और शायद इसीलिए 1947 में इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया और फिर 10 साल बाद भी इस रास्ते का कुछ ही हिस्सा दोबारा से खुल पाया। इंडियन डब्लू रेलवे। दोस्तों, आपने रोड को पहाड़ियों पर टेढ़ी मेढ़ी और खतरनाक घुमावतू देखा ही होगा, पर रेलवे ट्रैक के बारे में आपका क्या कहना है? इंडियन डब्लू रेलवे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रास्ता माना जाता है, क्योंकि इसकी ट्रैक बाकी रेलवे लाइन से बिल्कुल अलग है। इस रास्ते से चलने वाली ट्रेन को कभी टेढ़ी मेढ़ी तो कभी ऊपर नीचे और इधर उधर करते हुए गुजरना पड़ता है, जिसके वजह से कई बार ट्रेन अपने पटरियों से नीचे उतर जाते हैं और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ट्रेन को धीमी चलाया जाता है। इस ट्रैक की खराब कंडीशन और टेढ़ी मेढ़ी चाल के वजह से कई लोग ट्रेन में ही उल्टियां कर बैठते हैं। मेकलोंग रेलवे मार्केट। मेकलोंग मार्केट बैंकॉक में मौजूद है, जहां ताजा सब्जियां, भोजन, फल फूल, मच्छी और अंडे बेचा जाता है। यह एक मामूली सा मार्केट होने के बावजूद भी दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि इस मार्केट के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक है, जहां दिन में कुछ समय के लिए ट्रेन गुजरते हैं। जब भी कोई ट्रेन आती है तब एक वार्निंग बेल बजाया जाता है, जिसे सुनते ही लोग तुरंत अपने दुकान के टेंट छतरियां हटा लेती है, और जब ट्रेन चली जाती है तो लोग उन्हें वापस लगा लेते हैं। मार्केट में भीड़ होने के वजह से ट्रेन को धीमी चलाया जाता है, ताकि कोई हादसा और किसी का नुकसानी ना हो। डेविल्स नोज। डेविल्स नोज एडुकेटर के पहाड़ियों इलाकों से होकर गुजरती है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट होने के साथ साथ बेहद ही डरावनी है। ये रास्ते समुद्री तह से 1000 फीट ऊंचाई पर खतरनाक पहाड़ियों के मोड़ से भरा है, जिसके एक साइड में ऊंची ऊंची पहाड़ियां है तो उसकी ठीक दूसरी साइड में गहरी खाई है। अगर गलती से भी यहां कोई दुर्घटना हुई तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये ट्रेन इन गहरी खाई में पहाड़ियों से टकराते हुए यात्रियों को मौत के घाट उतार सकता है। इतना खतरनाक होने के बावजूद भी यहाँ लोग दूर दूर से इस एडवेंचर का मजा लेने आते हैं। दोस्तों, अपनी पूरी लाइफ में आपने सबसे खतरनाक सफर कौन सा तय किया था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाम्बन ब्रिज रामेश्वरम रेलवे। यह हमारे भारत में स्थित दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है, जो 2.3 किलोमीटर लंबी 145 कंक्रीट पिलर पर खड़ी समुद्र के सतह पर बनी है, जिस पर से ट्रेन समुद्र को चीरते हुए निकल जाती है। इस पुल को पानी से ऊपर उठाया गया है और ये बीच से भी खुलती है, ताकि जहाजों और घाटों को यहाँ से आना जाना हो सके। समुद्र से आने वाले मजबूत लहरें और तूफान ट्रेन के क्रॉसिंग को खतरे में डाल देती है, जिसे ट्रेन को प्रति सेकेंड 4 मीटर की गति से धीमी करने के लिए मजबूर करती है, और साथ ही साथ समुद्र की लहरों से ट्रेन की पटरियों पर जंग लगने का डर भी बना रहता है। यह एक धार्मिक स्थल चेन्नई और रामेश्वरम को एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसीलिए यहां हजारों संख्या में लोग आते रहते हैं और इस खतरनाक रेलवे राइड्स का आनंद उठाते हैं। ये पुल भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, इसीलिए हम इंडियंस का 1,00,000 जरूर बनता है। ट्रेन अलास न्यूज़।
ये रेलवे अर्जेंटीना की साल्टा प्रांत में मौजूद है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची रेलवे रूट के लिए माना जाता है। 4,220 मीटर की ऊंचाई पर काम करना इंजीनियर्स और कामदारों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। आखिरकार 27 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद तैयार हुआ इस पुल को 1948 में खोल दिया गया, जिसे फिलहाल अभी पर्यटक उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है। 217 किलोमीटर की यह लंबी रेलवे रास्ता साल्टा सिटी से शुरू होकर चिली के सीमा तक जाती है। इस रास्ते को ट्रेन टू द क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह इतनी ऊंचाई पर है कि यह हमेशा बादल से घेरा रहता है और ट्रेन बादलों से होकर गुजरती है। इसके अलावा अपने पूरे रास्ते में 29 पुल, 21 सुरंगे, 13 ब्रिज और एंडिस पर्वत माला के सुंदर परिदृश्यों को पार करती है। जॉर्जटाउन लूप रेलवे। ये रेलवे ट्रैक अमेरिका की कोलोराडा में स्थित जॉर्जटाउन और सिल्वर प्लूमे को एक दूसरे से जोड़ने का एकमात्र रूट है। 7.2 किलोमीटर लंबी ये रूट नैरो गेज पटरियों पर बनी है, जो चट्टानी पहाड़ों से होकर गुजरती है। इस रास्ते को 19वीं शताब्दी में खोला गया था, जिसमें ट्रेन को एक खतरनाक पुलों को पार करना पड़ता है, जो 6 से 40 फुट की खड़ी चढ़ाई पर है, जिसके नीचे 1000 फीट गहरी खाई है, तो ठीक ऊपर खर्राटा भरती ट्रेन सबको डरा रख देती है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट माना जाता है। जिन लोगों को गहरी खाई और ऊंचाइयों से नीचे देखने में डर लगता है, ये रूट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक ट्रेन को इस पुलों और तीखे मोड़ को बेहद ही सावधानी और धीमी होकर गुजरना पड़ता है। नेपियर दिसवर्नी रेलवे। दोस्तों, अक्सर ट्रेन आते वक्त हम इंसान और गाड़ियां पटरियों को क्रॉसिंग करने से रुक जाते हैं, पर नेपियर दिसवर्नी रेलवे ट्रैक पर चलती है ट्रेन पूरी की पूरी प्लेन को रोक कर रख देती है, क्योंकि यह रेलवे रूट न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट से होकर गुजरती है। यहाँ ट्रेन और प्लेन का संचालन एक साथ होता है और सुबह से लेकर शाम तक रेल और प्लेन मार्ग दोनों काफी व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कई बार प्लेन के लैंडिंग करते समय भी रनवे से ट्रेन गुजरती हुई नजर आ जाती है, जिसके वजह से प्लेन के लैंडिंग और टेकऑफ भी पोस्टपोन करना पड़ता है। प्लेन के पंखों से पंछी टकराने पर प्लेन की दुर्घटना के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर यहाँ पर प्लेन के सामने तो पूरे की पूरी ट्रेन मौजूद है। ट्रेन और प्लेन दोनों की संचालन कितना खराब है, आप ये देखकर तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसीलिए यह रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट माना जाता है। एसो मिनामी रूट, जापान। जापान के सबसे एक्टिव वोल्केनो के करीब ये रेलवे ट्रैक दुनिया के तीसरी सबसे खतरनाक रेलवे रूट है, जहां हर रोज ट्रेन का आना जाना लगा रहता है। ये रूट कुमाटोटो के क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो मिनामी यासो में टोकोमोरी से टाटानो स्टेशन को जोड़ता है, क्योंकि ये रास्ते सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो की तलहटी के बगल में है। इसीलिए कोई भी नहीं जानता कि कब ये ज्वालामुखी फटेंगे। यात्रियों को इन एक्टिव वोल्केनो को फटने का डर हमेशा बना रहता है। रास्ते में आ रहे यात्रियों को आमतौर पर जंगल में जल रहे हार्ड लावा पटरियों के ठीक सामने दिखाई देती है, और तो और ज्वालामुखी से निकलते लावा की धारा भी साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ तक ट्रेन में सफर कर रहे यात्री भी इन ज्वालामुखी से उड़ने वाले धुएं और बाप के वजह से बीमारियों का शिकार बन चुके हैं। लैंड वेजर वायडक्ट, स्विट्जरलैंड। ये रेलवे ट्रैक दो चट्टानी पहाड़ों को जोड़ती है, जो 213 फीट ऊंची 5 मजबूत पिलर पर खड़ी है, जिस पर से ट्रेन सुरंगों से होकर गुजरती है। ऊपर ट्रैक पर चल रहे कांपती ट्रेन और नीचे गहरी खाई होने के कारण पर्यटक सफर के दौरान डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। ठंड के मौसम में बर्फ गिरने के वजह से ट्रेन को पुल पर से गुजरना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है और पूरे यात्री को जोखिम में डाल देता है। तो ये रहा दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे रूट। दोस्तों, इनमें से कौन से रेलवे रूट आपको सबसे ज्यादा डरावना लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एडवेंचर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं।